अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। पेपर आपके सामने आ चुका है, जामिया मिल्ली इस्लामिया का आज पेपर था दोस्तों 11th क्लास का। इसके मैं यहाँ बताऊंगा आपको आंसर्स दोस्तों। पेपर जिन्होंने दिया है वो अपने आंसर कीज़ चेक कर अपने आंसर चेक कर सकते हैं। मैं बहुत सारे आंसर आपको यहाँ बताने वाला हूँ दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं अगर वीडियो पसंद आए आपको तो। दोस्तों चलते हैं अब आगे पेपर की तरफ। दोस्तों पेपर में आपको पहले आपको था इंग्लिश वाला पार्ट। इंग्लिश वाले पार्ट में आपको पहला आया था ये एक पैराग्राफ जहाँ से आपको कुछ आंसर करना थे। अच्छा पैराग्राफ था ये, इतना आसान पैराग्राफ ये नहीं था दोस्तों। पहले का आंसर होगा सी, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद सेकेंड दोस्तों जो आपका सवाल आया था, मोर एंड मोर पीपल आर एबल टू बाय नाउ बिकॉज ऑफ, इसका आंसर ये होगा मोर पीपल आर एजुकेटेड, ज़्यादा है क्योंकि सारे बात उसके बाद एजुकेशन से ही स्टार्ट होती है। दोस्तों उसके बाद तीसरा जो दोस्तों सवाल आया था द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल, दोस्तों ये इसका भी आंसर सी होगा, हैव बेटर एजुकेशन। दोस्तों उसके बाद चौथा जो सवाल था दोस्तों ये न्यूज़पेपर आर इजीली अवेलेबल क्योंकि सब, इसका आंसर डी होगा, इसके वजह से आपका हो चुका है। दोस्तों लास्ट सवाल इसमें आपका था पाँचवा, तो इसका होगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मास प्रोडक्शन अब क्यों हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अब जो है पढ़ लिख गए हैं। दोस्तों अब चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था हार्डली, दोस्तों इसका आंसर होगा हार्डली हैड द मिनिस्टर फिनिश हिज स्पीच व्हेन द अर्थक्वेक शुक द स्टेडियम, उसका आंसर होगा ए। सो नेक्स्ट सवाल होगा माय फादर वर्कड इन ONGC, उसका आंसर तो सी होगा, हैज बीन नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये नहीं, माय फादर विल हैव बीन वर्किंग होगा दोस्तों, नेक्स्ट साल आएगा तो इसका आंसर होगा विल हैव बीन, उसका आंसर होगा ये वाला आंसर इसका नहीं होगा। अच्छा सवाल है ये, थोड़ा घुमा के दिया है। सो नेक्स्ट सवाल होगा माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड, दोस्तों इसका आंसर सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों आपका आई एंजॉयड दोस्तों द हॉलीडे इनॉमसली, इसका आंसर ये होगा। सो नेक्स्ट सवाल है आपका माई प्लेन लीव्स, इसका आंसर सी होगा। सो नेक्स्ट सवाल था द मैन टू हूम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट, इसका आंसर ये होगा। सो नेक्स्ट सवाल था विच इज़ डेक्लेरेटिव, उसका आंसर होगा डी इट हर्ट्स। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका आई हैव सीन दिस फिल्म सेवरल टाइम, दोस्तों नेक्स्ट आपका होगा दोस्तों इसका आंसर होगा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, दोस्तों ये होगा लास्ट संडे आई स्टेड एट होम, ये इसका आंसर होगा दोस्तों आई स्टेड एट होम। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था एना आंसर द डोर, किस टाइप का सेंटेंस है ये आंसर होगा दोस्तों इम्पेरेटिव होगा। सो नेक्स्ट सवाल है आपका बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल था आपका, इसका आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोस्तों द एरिया हैड बीन रिकवरिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये होगा हैड बीन रिकवरिंग। उससे नेक्स्ट सवाल था आपका यहाँ आया था इट इज़ अ ट्रेडिशन दैट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवर सिंस, तो ये इसका आंसर होगा सी। सो नेक्स्ट सवाल था आपके लिए, इसमें से आपको बताना था कि ये कौन सा टेंस है दोस्तों। ये थोड़ा सा ये पैसिव वॉइस में आ चुका है, माय फादर्स शॉप हैज बीन सोल्ड आउट, उसका दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, इसके अलावा और तो कोई होगा नहीं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको ये आया था, इसमें आपको चेंज करना था या आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट शी सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट, उसका इसका आंसर होगा शी सेड टू मी दैट शी हैड टेकन ब्रेकफास्ट, दोस्तों इसका आंसर होगा सी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको नेक्स्ट आया था राहुल सेट टू मी वी आर मॉर्टल, दोस्तों इसका आंसर होगा राहुल सेट टू मी दैट वी आर मॉर्टल, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो नेक्स्ट सवाल आया था जॉन सेज आई शैल गो देयर, दोस्तों इसका आंसर होगा जॉन सेज दैट, इसका आंसर बी होगा ही विल गो देयर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था शी सेड द मैन डाइड, इसका दोस्तों आंसर होगा शी पास्ट है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, शी सेड दैट द मैन हैड डाइड इन द आफ्टरनून। सो नेक्स्ट सवाल था आपके लिए विनीत सेट टू नितिन, तो विनीत ऑर्डर्ड नितिन टू गो अवे, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों अब चलते हैं मैथमेटिक्स वाला पार्ट, मैं आपको नहीं बताऊंगा, अब चलते हैं सीधा बायो पे। सो बायो वाला पार्ट भी थोड़ा अच्छा आया था क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो कि आपको NCERT की बुक में, मतलब कुछ सवाल थे जो कि नहीं मिलेंगे आपको, तो ये क्योंकि मैथ वाले पार्ट में सॉल्व करने में टाइम लगता है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो पहला सवाल आपको आया था कौन सा कॉमन है दोनों में स्टेप सेलुलर और एरोबिक, तो ये होगा पाइरोबिक एसिड ब्रेकडाउन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर इनमें से दोस्तों स्टार्ट ऑफ ये दोस्तों इसका आंसर होगा मेनार्क। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपका जो आया था आपको विच ऑफ द इसमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, तो ये होगा आपका अबॉर्शन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपके लिए
आया था एज ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई, दोस्तों इसका आंसर होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपका, दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसमें, इसमें से कौन सी फूड चेन है, इसका आंसर होगा बी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर, इसमें से बाइल जूस, इसका आंसर होगा फैट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था हार्ट इज कवर्ड, इसका आंसर होगा दोस्तों ए पेरिकार्डियम। सो नेक्स्ट सवाल था आपके लिए एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली, दोस्तों इसका आंसर होगा ए। सो नेक्स्ट सवाल था आपके लिए द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ, इसका आंसर होगा टोटल लंग कैपेसिटी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपके लिए विच ऑफ दीज, इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज। सो नेक्स्ट सवाल था आपके हो, दूसरी आ गया इसमें से कौन सा हैप्लॉइड है, इसका आंसर होगा गैमेट। सो नेक्स्ट सवाल था आपके लिए हीमोफीलिया, दोस्तों इसका आंसर होगा सेक्स। ये सब दोस्तों ये सवाल कहीं टेंथ में नहीं मिलता, ये आपको इलेवंथ से आया है, कुछ सवाल इसमें इलेवंथ की बुक से आए हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था ब्लैक, सॉरी मतलब बैक क्रॉस, इसका आंसर होगा डी एफ वन इन टू एनी पेरेंट। नेक्स्ट सवाल था दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन जिम्नोस्पर्म। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट, इसको बोलते हैं कैरोटीन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके लिए था केमिस्ट्री आई, उसका आंसर होगा गैलियम। एक एल्युमिनियम का क्या है, ये गैलियम होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपको इसमें से कौन सा ग्रुप है, तो दोस्तों कीटोन होगा इसका आंसर, इसका नाम है प्रोपेनॉन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपका इसमें से कौन सा चेन आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता, उसका आंसर होगा प्रोपेन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपको पिक आउट द, इसमें से आंसर होगा दोस्तों पोटेशियम एंड फ्लोरीन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था यहाँ पर इनमें से कौन सा एल्युमिनियम जब रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, इसका आंसर दोस्तों डी होगा, ये अलग हो जाएगा, बन जाएगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था एन एक्वा सोल्यूशन, ये आपका जो है एसिडिक है, सॉरी ये आपका बेसिक है, बेसिक जो आपका बेस करता है वो आपका रेड को ब्लू करता है, तो ये दोस्तों बेसिक है, इसमें डालेंगे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आंसर होगा सी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था इनमें से कौन से एसिडिक नेचर है, इसका आंसर होगा दोस्तों लाइम जूस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपका नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इनमें से कौन सा डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों ए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए आया था इनमें से एफ क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर Fe2O3 जो आपका फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड दोस्तों जो है ये क्या है, दोस्तों ये बल्कि आपका फेरिक ऑक्साइड है। दोस्तों इसमें आपका Fe2O3 क्या है, देखिए यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो ये हो गया रिड्यूस, तो ये आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को गेन करना या मतलब या हाइड्रोजन को निकाल देना, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो रहा है रिडक्शन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपके लिए जो आया था अगर इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, SO2 SO3 बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके लिए आया था इसमें से दोस्तों क्या होगा, ये एक्स वाई क्या होगा, इसका आंसर होगा AG एंड S। दोस्तों अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल आपको आया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इनमें दोस्तों एल्युमिनियम बेस के साथ इस्तेमाल करते हैं इसमें हम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका आंसर होगा हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था लास्ट सवाल था ये इसका, इनमें से कौन सा अन्य तीनों को अलग कर देगा, मतलब किसके सॉल्यूशन में से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों ये होगा आपका सिल्वर, क्योंकि सबसे कम रिएक्टिव होता है, बाकी सारे सबसे रिएक्टिव हैं, तो हर एक मेटल इसको इसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा। दोस्तों ये हुआ आपका केमिस्ट्री। दोस्तों अब चलते हैं जीके वाले पार्ट पे, दोस्तों जीके वाले पार्ट पे क्योंकि मैं फिजिक्स में थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, तो दोस्तों अब चलते हैं हम केमिस्ट जीके वाले पार्ट पे। तो जीके में दोस्तों पहला सवाल आपको आया था यहाँ पर, जीके भी अच्छी आई थी, स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको था हरप्पन सिविलाइजेशन, दोस्तों इसका आंसर होगा चालकोलिथिक एज। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपका इसमें व्हाट इज़ द एवरेज थिकनेस ऑफ बायोस्फीयर, उसका आंसर होगा 40 किलोमीटर। अगला सवाल था आपका इसमें से कौन सा 2024 में ओलंपिक होस्ट करेगा, तो दोस्तों ये फ्रांस में होने वाले हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए आया था विच अमंग द फॉलोइंग, इनको किस को मिला पद्मश्री, ये मिला है आज इनको नजम अख्तर को मिला है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था जामिया की VC हैं। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट आया था इसमें से सिटी ऑफ लेक्स कौन सा है, भोपाल। दोस्तों भोपाल को बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया। दोस्तों उसके बाद अगला जो सवाल है आपको आया था
यहाँ पर आपको बताना था कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है, तो वोलोदिमिर जेलेंस्की। अब आजकल वॉर चल रही है। सो महावीर कहाँ पैदा हुए थे? वैशाली पैदा हुए थे। उससे नेक्स्ट सवाल था आपके लिए, इसमें जो आया था विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट डैम, तो इसका आंसर होगा टिहरी डैम। दोस्तों लास्ट जो सवाल है दोस्तों आया था, ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया लगभग 50-60 मैंने आपको आंसर बता दिए, मैथमेटिक्स छोड़ दिए और फिजिक्स को सॉल्व करना पड़ता है। दोस्तों होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।